साथियों, सरकार ने बीते 6-7 वर्षों में बैंकिंग सेक्टर में जो रिफॉर्म्स किए, बैंकिंग सेक्टर का हर तरह से सपोर्ट किया, उस वजह से आज देश का बैंकिंग सेक्टर बहुत ही मजबूत स्थिति में है। आप भी ये महसूस करते हैं कि बैंकों की फाइनेंशियल हेल्थ अब काफी सुधरी हुई स्थिति में है। 2014 के पहले की जितनी भी परेशानियां थी, जितनी भी चुनौतियां थी, हमने एक एक करके उनके समाधान के रास्ते तलाशे हैं। हमने एनपीएस की समस्या को एड्रेस किया, बैंकों को रिकैपिटलाइज किया, उनकी ताकत को बढ़ाया, हम आईबीसी जैसे रिफॉर्म्स लाए, अनेक कानूनों में सुधार किए, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को सशक्त किया। कोरोना काल में देश में एक डेडिकेटेड स्ट्रेस एसेट मैनेजमेंट वर्टिकल का गठन भी किया गया। इन्हीं फैसलों से आज बैंकों की रिजोल्यूशन और रिकवरी बेहतर हो रही है, बैंकों की स्थिति मजबूत हो रही है, और एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ उसके भीतर पाई जा रही है। सरकार ने जिस पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ काम किया है, उसका एक प्रतिबिंब बैंकों को वापस मिली राशि भी है। हमारे देश में जब बैंकों से कोई उठा के भाग जाता है तो चर्चा बहुत होती है, लेकिन कोई दम वाली सरकार वापस लाती है तो इस देश में कोई चर्चा नहीं करता है। पहले की सरकारों के समय जो लाखों करोड़ रुपए फंसाए गए थे, उनमें से 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की रिकवरी की जा चुकी है। हो सकता है आप उस लेवल के लोग बैठे हैं, आपको 5 लाख करोड़ बहुत बड़ा नहीं लगता होगा। क्योंकि जिस प्रकार से एक सोच बनी हुई थी, यहां बैठे हुए उन लोगों की नहीं होगी ऐसा मुझे पूरा पक्का विश्वास है, लेकिन एक सोच बनी हुई थी, बैंक हमारी ही है, बैंक में जो है वो भी हमारा ही है, वहां रहे या मेरे यहां रहे क्या फर्क पड़ता है। और जो चाहा वो मांगा, जो मांगा वो मिला, और बाद में पता नहीं था कि 2014 में देश निर्णय कुछ और कर देगा। सारी स्थितियां साफ हो गई हैं। साथियों, जो ये पैसे वापस लेने वाला हमारी कोशिश है, नीतियों का भी आधार लिया है, कानून का भी आधार लिया है, डिप्लोमेटिक चैनल का भी उपयोग किया है, और मैसेज भी बहुत साफ है कि यही एक रास्ता है, लौट आइए। और ये प्रक्रिया आज भी चल रही है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इसके गठन से और 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की सरकारी गारंटी से भी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के स्ट्रेस एसेट आने वाले समय में रिजॉल्व होने का अनुमान है।
हम सभी ये भी देख रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंकों के कंसोलिडेशन से पूरे बैंकिंग सेक्टर की एफिकेसी बढ़ी है और मार्केट से फंड रेज करने में भी बैंकों को मदद मिल रही है। साथियों, ये जितने भी कदम उठाए गए हैं, जितने भी रिफॉर्म्स किए गए हैं, इससे आज बैंकों के पास एक विशाल और मजबूत कैपिटल बेस बना है। आज बैंकों के पास अच्छी खासी लिक्विडिटी है। एनपीएस की प्रोविजनिंग का बैकलॉग नहीं है। पब्लिक सेक्टर बैंकों के एनपीए आज 5 सालों में सबसे कम है ही। कोरोना काल के बावजूद इस फाइनेंशियल ईयर के पहले हाफ में हमारे बैंकों की मजबूती ने सबका ध्यान खींचा है। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज भी भारत के बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक अपग्रेड कर रही है।